जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी मित्रों। चंद्रवन्नी भक्त चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्त चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति माँ भगवती से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमयी हो। तो चंद्रवन्नी भक्त चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा, आज का जो हमारा वीडियो होगा, वह होगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 24 जुलाई से लेके 30 जुलाई 2023 का यह सप्ताह, यानी कि जुलाई महीने का अंतिम सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे स्वास्थ्य की, करियर की, शिक्षा की, व्यापार की और प्रेम और वैवाहिक जीवन की। वीडियो के अंतिम में एक सुंदर और सटीक सा उपाय आपको बताया जाएगा, अवगत कराया जाएगा, जिस उपाय को करके आप इस सप्ताह को आनंददायी बना सकते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो अब ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का अंतिम सप्ताह। तो जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह जो सप्ताह है यह मिला जुला साबित होने वाला है। मिले जुले फल आपको इस सप्ताह मिलेंगे और सप्ताह की शुरुआत में जो है नौकरी पेशा करने वाले जो लोग हैं, तो ऐसे लोगों पर कामकाज का अधिक दबाव बना रहेगा। इस दौरान जो है कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर की तरफ से जो है मनचाहा संयोग व समर्थन न मिल पाने के कारण आपका मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा। आपके जो जूनियर हैं, आपके जो सीनियर हैं, वे आप जैसा चाह रहे थे वैसा संयोग आपको नहीं दे पाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका मन उनसे खिन्न हो जाएगा। वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं, वृश्चिक राशि के लोगों को इस सप्ताह अपने विरोधियों से, जो आपके विरोधी हैं, अपने विरोधियों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वे आपके कार्य में कुछ ना कुछ बाधा डालने की कोशिश करेंगे, तो आपको अपने विरोधियों से सावधान रहना है। साथ ही साथ जो है वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखना होगा। इस सप्ताह जो है 24 से लेकर 28 जुलाई के मध्य वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसके चलते भी आपके कामकाज और कारोबार प्रभावित हो सकते हैं सेहत के चलते, तो इसलिए सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, जो व्यवसाय व्यापार करते हैं, वृश्चिक राशि के जातक व्यवसाय से जुड़े हैं, तो ऐसे लोगों को इस सप्ताह जो है धन का लेन देन और उसका किसी योजना में निवेश करते समय जो है खूब सावधानी आपको बरतनी होगी। धन का जब लेन देन करें या कोई निवेश करें तो आपको बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी, सावधानी आपको बरतनी होगी। और इस सप्ताह जो है 24 से लेके 30 जुलाई के मध्य जो है वृश्चिक राशि के जातकों को पास के फायदे के चक्कर में दूर का नुकसान करने से बचना है। ऐसा नहीं कि पास का फायदा मिल रहा है तो दूर का आप नुकसान कर दें, अन्यथा जो है बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। और सप्ताह का जो उत्तरार्ध भाग होगा, सप्ताह का जो अंतिम दिन होंगे, तो सप्ताह के उत्तरार्ध में जो है आपको आपके कारोबार में थोड़ा सा मंदी का सामना आपको करना पड़ सकता है, कारोबार जो है थोड़ा सा धीमा हो सकता है। जितने भी वृश्चिक राशि के जातक छात्र हैं, तो छात्रों को इस समय जो है पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपका मन जो है पढ़ाई में नहीं लगने वाला है। यदि आप विदेश में रोजी रोजगार या उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, अगर आप विदेश में रोजी रोजगार के लिए या उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको जो है इसमें कुछ अड़चनें भी आ सकती हैं। जितने भी वृश्चिक राशि के लोगों को इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध दोनों पर खूब ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह जो है अपनी सेहत और अपने संबंधों को मधुर बनाए रखना है, उन पे ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी। ऐसे में आपको क्या करना है, वृश्चिक राशि के जातकों को अपने खान पान का विशेष आपको ध्यान रखना है, खान पान का विशेष ध्यान रखें और मौसमी बीमारियों को लेकर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। आपको जो मौसमी बीमारियां हैं उनसे सतर्क रहना है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। तो प्रेम संबंध में अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अपेक्षा करने से आपको बचना है और भावनाओं को
भावनाओं में बहकर कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो आपके बने बनाए संबंध को प्रभावित कर दे या उसमें आपके जो संबंध है उसमें कुछ अड़चने डाल दें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जिनका विवाह हो चुका है वृश्चिक राशि के जातकों का, तो वैवाहिक आपका जो वैवाहिक जीवन है वह जीवन साथी को वैवाहिक जीवन आपका थोड़ा सा कष्टमय हो सकता है। जीवन साथी के सेहत को लेकर थोड़ा सा आप इस समय चिंतित रह सकते हैं, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं उपाय की, तो उपाय क्या करना है वृश्चिक राशि के जातकों ने इस सप्ताह, जिससे यह सप्ताह आपका आनंददायी हो। तो जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, उपाय के तौर पे आपको जो है इस सप्ताह प्रतिदिन हनुमान जी की आपको करनी है पूजा, गुड़ और चना का भोग आपको हनुमान जी को लगाना है और बजरंग बाण का आपको प्रतिदिन पाठ करना है। तो अगर आप यह उपाय करेंगे तो इस सप्ताह को आप आनंददायी बना सकते हैं। जो भी विघ्न बाधाएं हैं, हनुमान जी महाराज आपके सभी विघ्न बाधाओं का, सभी संकटों को दूर करेंगे। तो यह छोटा सा उपाय जरूर करें। आज का वीडियो करेंगे यहीं पे समाप्त। आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। माँ भगवती आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। जय माता दी।